हाय फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे ये यॉर्क में वीआरएफ में ये जो तीन स्विच है ये किस लिए दिया गया है। ये जो तीन स्विच है आपको यहाँ पे इस स्विच से आपको सेट करके पता चलेगा कि इस सिस्टम में ये सिस्टम कितना आउटडोर से कनेक्ट है, कितना इंडोर से कनेक्ट है, कितना वाल्व है, कौन सा वाल्व ओपन है, कौन सा वाल्व बंद है। ये तमाम चीज़ ये स्विच ही है जो तमाम चीज़ आपको बताएगा, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, ये आपका आउटडोर का जो पीसीबी का जो पैनल है, ये पीसीबी का पैनल है। अब ये पैनल में ही आपको सारा सिस्टम का दिया हुआ है कोड है, आपको कितना में कितना सेट कीजिएगा तो ये सारा चीज़ आपको डिस्प्ले में बताएगा। जैसे कि ये SW9 है, SW9 हो गया, ये S10 है, SW10 हो गया, ये SW11 है। देखिए यहाँ पर भी आप गौर से देखें तो SW9, SW10, SW11, SW9 जैसे कि आप इधर आ के देख लीजिए, ये SW9 है, ठीक है। SW9 को 0, SW10 को 1 और SW11 को 2। ये देखिए सेट करेंगे आपका SW9 0 में सेट है, ठीक है। फिर SW10 1 में सेट है, इसको 1 में करेंगे, ठीक है। ये आपका 1 में हो गया। अब SW11 इसको 2 में करना है, ठीक है, दिखा के करें। ये 2 में हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, SW9 में 0, SW10 में 1 और SW11 में 2। अब इसको अगर सेट करेंगे आपको तो ये बताएगा आउटडोर टोटल कैपेसिटी, आउटडोर का कैपेसिटी क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है ना, आउटडोर का टोटल कैपेसिटी 552 HP का ये आपका आउटडोर है। इसी तरह से सेटिंग करेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक सेटिंग आपको मैं और बता दूं, मास्टर सिलेवर टोटल 3 है। अब देखिए ये टोटल का बता रहा है, ठीक है। ये मास्टर है, फिलहाल इसको मास्टर बनाया गया है। वो स्लेव 1 है, वो स्लेव 2 है, ठीक है। अब तो किसी को भी बना सकते हैं मास्टर, तो फिलहाल अभी ये मास्टर है और ये मास्टर है और इसी में आपको सारा देगा। ये स्लेव 2 और स्लेव 1 में आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, ये मास्टर है इसलिए ये सारा चीज़ यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैंने दिखा दिया सेट करके, अब उसी हिसाब से देखिए। जैसे SW9 में 0 है, ये ठीक है, 0 में सेट है। अब SW10 में आपका मान लीजिए 3 पे सेट करते हैं, जैसे कि ये 3 पे सेट कर दिए। अब SW11 में आपका 2 है, ठीक है, अब इसको 2 में सेट किए। तो ये क्या चीज़ बता रहा है, देखिए आप यहाँ पे 3 और 2, इंडोर क्वांटिटी इन वन सिस्टम, एक सिस्टम में कितना इंडोर लगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे 12 शो कर रहा है, 12 सिस्टम लगा हुआ है, ये आपको 12 शो करके बता रहा है। अब रनिंग इंडोर कितना हो रहा है, इंडोर कितना अभी चल कितना रहा है, किसी तरह का जैसे मान लीजिए आप 12 इंडोर है, अब 12 इंडोर में 10 इंडोर चल रहा है, मान के चलिए आप 10 चल रहा है और 2 बंद है, तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे कितना बता रहा है। आप आउटडोर ही में आप चेक कर सकते हैं, इंडोर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि ये आपका रनिंग आउटडोर का ये है, तो आपका SW9 में 0, वो 0 में सेट रहेगा, इसको 4 करना है। जैसे कि 10, SW10 को सेट करना है कितना है, 4 है ना, इसको अभी 4 में कर दिए आप, ये 4 हो गया। उसके बाद में आपका एक 2 है, हाँ 2 है। अब SW11 इसको रनिंग में 2 में ना, हाँ ये 2 में। अब देखिए यहाँ पे 4 ही इंडोर ऑन है, रनिंग में है, रनिंग सिस्टम में 4 ही इंडोर ऑन है, बाकी सारा बंद है। 8 इंडोर कट ऑफ, 8 इंडोर बंद है, टेम्परेचर कट ऑफ, हाँ टेम्परेचर कट ऑफ हुआ है, ठीक है। बस आपको ये समझ में आ गया होगा ये तीनों स्विच का काम क्या है असल। और उसमें आप सेंसर वगैरह का भी देखिए। अच्छा, इसमें आप सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे कि जितना लाइन से सेंसर लगा हुआ है, सॉलनेट वाल्व का हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर हो गया, सक्शन टेम्परेचर हो गया सेंसर हो गया, सॉलनेट वाल्व लगा हुआ है, ये सारा सॉलनेट वाल्व चल रहा है या बंद है, ये सारा चीज़ आपको यही डिस्प्ले बताएगा और इसी से बताएगा। लेकिन उसका असल जो चीज़ है वो ये है, ये प्लेट, ये प्लेट के सारा प्लेट के ऊपर में ये सारा चीज़ आपका डिटेल्स लिखा हुआ है, कितना नंबर में कितना चीज़ क्या बताएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, थैंक यू गाइज़।